दोस्तों, आपने अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में काफ़ी सारे लॉन्चर्स को यूज़ किया होगा, लेकिन जिन लॉन्चर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी यूनिक एंड डिफरेंट लॉन्चर्स हैं, तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और जो भी लॉन्चर आपको पसंद आता है उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए और उसे यूज़ कीजिए। तो उन दोनों लॉन्चर्स में से मैं आपको पहले दिखाता हूँ जिसका नाम है TUI। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, इस लॉन्चर्स की और दूसरे वाले लॉन्चर की सबसे ख़ास बात यह है कि दोस्तों, इसका फाइल साइज 1 MB से भी कम है। एक लॉन्चर 600 समथिंग कुछ MKB में है और सेकंड वाला 300 कुछ KB में, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन ये 1 MB के फाइल साइज से भी कम है। तो और आपके रैम मेमोरी को भी ये बहुत कम लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 MB रैम यूज़ करता है और काफ़ी स्मूथ चलते हैं दोनों लॉन्चर। अब पहले लॉन्चर को आप देख सकते हैं, इसमें मेरा फ़ोन मॉडल और सबसे ऊपर देख सकते हैं आप टॉप में रेड कलर में रैम की डिटेल्स ये दिखा रहा है, कितना रैम फ्री है, कितना यूज़ में है और टाइमिंग एंड डेट, इंटरनल स्टोरेज। और आप देख सकते हैं एकदम ये बिल्कुल यूनिक लॉन्चर आपको दिखने में लग रहा होगा। अगर इसे आप किसी अपने फ्रेंड के सामने अगर इसे यूज़ करते हैं तो एकदम यूनिक लॉन्चर लगेगा, महसूस नहीं होगा बिल्कुल भी कि ये एक लॉन्चर है। इसे यूज़ कैसे करते हैं ज़्यादा जान दोस्तों, आप इसमें ट्यूटोरियल टाइप करके और एंटर करेंगे तो आपको एक किसी ब्राउज़र में सर्फिंग के लिए बोलेगा, आप ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसमें सेटिंग्स खोलना चाहते हैं तो सेटिंग को टाइप करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं बॉटम में सेटिंग्स आ रहा है, अगर मैं इस पर टाइप करूँगा तो सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, या मैं पूरा टाइप करके SETTINGS और एंटर करूँगा तो भी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। देख सकते हैं आप सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। आप जो भी ऐप को ओपन करना चाहते हैं उसका नाम इसमें फिलअप करेंगे और एंटर कर देंगे। और दोस्तों, दूसरा वाला मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है AP15। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लिंक पर क्लिक करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसका साइज़ काफ़ी कम है और ये भी काफ़ी कम आपकी रैम को यूज़ करेगा, बिल्कुल स्मूथ चलेगा। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन की यानी कि इस लॉन्चर की खास बात यह है कि आपके सेल फोन में डिवाइस में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं उन सभी के कोई आइकन इसमें नहीं आएगी, सिर्फ आपको उसका नेम, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टॉप में ब्राउज़र, कैलकुलेटर, कैलेंडर, उसके साइड में कैमरा, क्रोम, क्लॉक, डाउनलोड्स, ड्राइव, ईमेल, फेसबुक वगैरह वगैरह। इसकी खास बात यह है कि पहले तो ये आपको देखने में काफ़ी यूनिक लगेगा, एक लॉन्चर के जैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है। एंड सेकंड खास बात इसकी ये है, एकदम स्मूथ चलता है और आप जिस ऐप को भी ओपन करेंगे उसका साइज बड़ा हो जाता है, यानी कि जो आपकी ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप्स हैं वो बड़े साइज में आपको एकदम फोकस करेंगे आपको। जैसे कि मैं ओपन करता हूँ जीमेल, तो जीमेल का साइज अब बड़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे एक बार और ओपन करूँगा तो और बड़ा साइज़ हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं। थैंक यू वेरी मच गाइज़।